भारतीय टीम टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल यानी कि WTC में न्यूजीलैंड से भिड़ने के लिए कमर कस चुकी है और दोनों के बीच साउथहैम्पटन में एजस ब्राउन स्टेडियम में होने वाले खिताबी मुकाबले में अब दो ही दिन बाकी रह गए हैं और जैसे जैसे फाइनल का समय करीब आ रहा है उसी के साथ भारत की प्लेइंग 11 को लेकर के भी चर्चा काफी ज्यादा तेज हो गई है और पूर्व क्रिकेटर से लेकर के क्रिकेट विशेषज्ञ अपनी अपनी राय भी बता रहे हैं। किसी को जहां भारतीय टीम के चार तेज गेंदबाज और एक स्पिनर के साथ खेलने की उम्मीद है तो कोई तीन तेज गेंदबाजों और दो स्पिनर्स को मौका दिए जाने की बात कर रहा है और टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की पिच में पेच और बाउंस होगी। एजस बाउल स्टेडियम के मुख्य क्यूरेटर ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच WTC फाइनल मुकाबले की पिच में पेस और बाउंस होगी। उन्होंने कहा कि पिच में ये पेस होने से ये टेस्ट क्रिकेट को उत्साहित बनाता है और मैं क्रिकेट का प्रशंसक हूं और ऐसी पिच तैयार करना चाहता हूं जहां पर क्रिकेट को पसंद करने वाले हर एक गेंद का आनंद ले सकें। और लीग के अनुसार अगर गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच कौशल का मुकाबला होगा तो मेड इन ओवर उत्साहित करने वाला होगा। अगर हम पिच में पेस और बाउंस रखेंगे तो इससे खुशी होगी। ली ने कहा कि मैच आगे बढ़ने के साथ ही स्पिनर्स की भूमिका भी होगी और ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत की प्लेइंग 11 में किन खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है। इन तेज गेंदबाजों को मिल सकता है मौका। भारतीय टीम इस बात से सहमत है कि पिच और इंग्लैंड की परिस्थितियां तेज गेंदबाजों के अनुकूल होंगी और ऐसे भारतीय टीम हालात को मद्देनजर रखते हुए तीन गेंदबाजों को अंतिम एकादश में रख सकती है और तेज गेंदबाज के रूप में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी स्वाभाविक पसंद होंगे तो तीसरे स्लॉट के लिए ईशांत शर्मा और मोहम्मद सिराज के बीच कड़ी टक्कर होगी। वहीं भारत स्पिनर को मिलने वाली मदद को नजरअंदाज नहीं करेगा जो उसका मजबूत पक्ष है और टीम इंडिया दो स्पिनर्स रविंद्र जडेजा और रविचंद्र अश्विन को प्लेइंग 11 में अवसर दे सकता है और अश्विन का खेलना तय है क्योंकि वो बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी कर सकते हैं और टीम की बल्लेबाजी में कोई बड़ा बदलाव मुश्किल होगा। हालांकि कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री मौसम की स्थिति के आधार पर अंतिम समय में तीन तेज गेंदबाजों और दो स्पिनर्स के संयोजन को भी बदल सकते हैं और मौसम विभाग ने हल्की बारिश का अनुमान भी जताया है जिससे कोहली और शास्त्री चार तेज गेंदबाजों और एक स्पिनर के साथ उतरने का फैसला कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय टीम की बल्लेबाजी की बात करते हैं तो कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना थोड़ी कम है और रोहित शर्मा और शुभम गिल के ओपनिंग करने की भी उम्मीद है लेकिन WTC फाइनल में रोहित के साथ अगर KL राहुल पारी की शुरुआत करते हैं तो वो टीम के लिए फायदेमंद होगा क्योंकि राहुल के पास अच्छा अनुभव है और टेस्ट में उनका प्रदर्शन काफी ज्यादा अच्छा रहा है जबकि अनुभवी चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली मध्यम क्रम को मजबूती देंगे और ऋषभ पंत एक बार फिर से विकेट कीपर की भूमिका में दिखाई देंगे। टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भारत की संभावित प्लेइंग 11 विराट कोहली कप्तान, रोहित शर्मा, KL राहुल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, रविचंद्र अश्विन, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा और मोहम्मद शमी है।